बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनाज किचन। आज हम Q&A सेशन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो मेरा नाम आमना है और मैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रावलपिंडी में रहती हूँ। कुकिंग मेरा शौक़ है, मैं हाउसवाइफ हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। कुकिंग क्योंकि मेरा शौक़ है तो मैंने ज़्यादा कुकिंग अपनी मम्मी से सीखी है। इसके अलावा मैं कहीं भी आते जाते किसी ढाबा पर या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ मुझे जो भी अच्छी रेसिपी मिले मैं उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ और उसको बार बार बनाती हूँ, उसमें चेंजिंग लाती हूँ। और फिर अब क्योंकि यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया है तो मैं आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस तरह जो मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ होती हैं वो मेरी कई दफ़ा की आजमाई हुई होती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जिस रेसिपी पे क्वेश्चन मिले हैं वो लाहौरी चिकट चने हैं। लाहौरी चिकट चने में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑयल के मुतालिक किया गया है कि मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। और मैं बता चुकी हूँ कि ये एक ढाबा की रेसिपी है, फूड स्ट्रीट की रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा बाज़ारों में बनाया जाने वाले चने हैं। और ये उसी तरह से रेसिपी दी जाती है क्योंकि हम एक रेसिपी को फॉलो करके आगे दे रहे होते हैं तो उसको उसी तरह से बनाते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, उन्हीं मिकदारों के साथ जो कि मैंने उनसे पूछी थी। तो बाज़ार में जब भी हम चने लेंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल की एक दरी मौजूद होती है और इसी से खाने का जायका बनता है। और इसीलिए बाज़ार वाले आमतौर पर घी में खाना बनाते हैं क्योंकि घी में ख़ास जायका होता है। बहरहाल हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है तो कोई भी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको अगर घी या ऑयल की मिकदार ज़्यादा लगती है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको एडजस्ट करते हैं। जिन भी लोगों ने चने बनाकर मेरे बहन भाइयों ने मुझे बताया उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया कि चने जब हमने बनाए तो हमें उनमें एक ख़ास जायका मिला। लेकिन जब आपने एक रेसिपी को देखा और उसको कमेंट कर दिया, उसको बनाया नहीं, तो फिर आप उसको बनाएं, ऑयल को रिड्यूस करें, फिर आपको उसके जायके का पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब आप उसको ज़रूर बनाएंगे। ऑयल की क्वांटिटी या नमक, मिर्च, मसाले किसी भी रेसिपी में आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको वो अच्छी लगेगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा किया जाता है वो हरे मसाले के पराठा के मुतालिक है कि उसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी थी और पराठा बहुत देर लग के बन रहा था। तो जाहिर है कि जब आप एक नई चीज़ बनाएंगे पहली दफ़ा तो यकीनन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो पराठा बहुत ज़्यादा देर लग के नहीं बनता, बल्कि आप जब उसके ऊपर बेसन की कोट लगाते हैं तो वो एक अलग से जायका बनता है। और वो ऐसा पराठा है कि उसके लिए तो मुझे फरमाइशें आती हैं कि हमें भी बना कर खिलाएं क्योंकि वाकई बहुत मज़े का पराठा है। और रही बात टाइम की, तो आप उसको फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा लेकिन फिर उसमें एक क्रिस्प नहीं आएगा। तो जब आप एक अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा आता है कि आपकी रेसिपीज बहुत लंबी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेसिपी को देखने में, तो मैं शॉर्ट रेसिपी बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादातर बिगनर्स देखते हैं तो बिगनर्स को छोटी छोटी बातें ही तो समझानी होती हैं। अगर आपने शॉर्ट रेसिपीज देखनी है तो वो बहुत सी आपको मिलेंगी, लेकिन एक एक्सपर्ट बंदा तो शॉर्ट रेसिपी देख के फ़ौरन चीज़ बना सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर्स बनाएंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो शॉर्ट रेसिपी देखें और फौरन उस चीज़ को बना लें। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझा देंगे थोड़ा टाइम लगा के, तो फिर बिगनर्स यकीनन इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उस रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अब मैंने अपनी रेसिपीज़ को टाइम को काफ़ी शॉर्ट कर लिया है आप लोगों की फरमाइश पर। साथ ही आतिफ का क्वेश्चन मेरे सामने है जो कि बैंगन मसाला रेसिपी पर है। वो पूछ रही हैं कि पीनट्स को अगर स्किप कर दिया जाए इसमें, तो क्योंकि उनके घर में किसी को भी पीनट्स पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप पीनट्स को स्किप कर सकते हैं, आप पीनट की जगह बादाम का पाउडर डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा।
लेकिन अगर बादाम या पीनट्स आप स्किप कर देंगी तो फिर आपको वो टेस्ट या वो जायका नहीं मिलेगा जो कि इस रेसिपी की डिमांड था। अभी मेरी रेसिपी जो आई है मलाई और चाशनी का हलवा, मखड्डी हलवा में मैंने ये बनाया है। तो इसमें ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि इसमें मलाई को स्किप करके क्रीम ले ली जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास फ्रेश मलाई थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। अगर आप रेडीमेड क्रीम लेना चाहते हैं तो उससे आप हलवा बना सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। सूजी की सॉफ्ट टिक्कियों पर क्वेश्चन है कि सदफ चौधरी पूछ रही हैं कि आमना सिस्टर हम इनको बनाकर कैसे महफूज रख सकते हैं। तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकती हैं, तकरीबन एक हफ़्ता रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रिज में नहीं रखना, इनको आप फिर एयर टाइट जार में रखें और इनके दरमियान आप ब्राउन पेपर रखें, उससे ये तकरीबन 15 से 20 दिन रह सकेंगे। लेकिन अगर आप ये गर्मियों में रख रहे हैं तो फिर आपको ये फ्रिज में ही रखने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा किया गया वो चना चाट पर था। स्पाइसी चना चाट की रेसिपी, बहुत ज़्यादा इसको व्यूज़ भी मिले, लेकिन इस पर एक एतराज़ किया गया कि मैंने इसे हाथों से क्यों बनाया। तो मेरे ख्याल में तकरीबन हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन हाथों से ही बनाती हैं, कोई भी ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि हाथ ग्लव्स से ज़्यादा साफ़ होते हैं। हम हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं, नेल्स को काटते हैं तो हमारे हाथ साफ़ होते हैं। ग्लव्स के लिए तो हमें पता भी नहीं होता, और मैं पसंद भी नहीं करती ज़्यादा ग्लव्स का इस्तेमाल, बल्कि मेरे हाथ ज़्यादा साफ़ होते हैं तो मैं हाथों का इस्तेमाल ही पसंद करती हूँ। और फिर इस चाट को तो हमने खुद इस्तेमाल करना था। जो भी आप चाट बनाएं तो आपको अगर एतराज़ है मेरे हाथ पर तो आप ग्लव्स पहन के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्लव्स पहनकर चाट बना सकते हैं या स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाट को जब हम हाथ से मिक्स करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा हम जैसे आलू प्याज या टमाटर हैं वो हाथों से थोड़े थोड़े से दबते हैं तो उनसे एक ख़ास फ्लेवर निकलता है और वो चाट ज़्यादा मज़े की होती है। अगर आप चम्मच से मिक्स करते हैं तो वो एक खड़े खड़े से मसालों के साथ चाट बनता है और वो उतना मज़े का नहीं होता। तो आप कभी हाथ से बना कर देखें, और बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लें तो आपको कभी भी कराहत नहीं आएगी। कनीज़ सईदा, ये नाम है बहुत प्यारा, तो इन्होंने पूछा है कि जलेबी फीकी लेनी है या मीठी, दूध जलेबी की रेसिपी पर। तो जलेबी तो मीठी ही होती है, फीकी जलेबी तो नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि कभी जलेबी वाले बना रहे हों तो आप उनसे उस वक्त फीकी जलेबी ले लें, वरना जलेबी मीठी ही होती है, इसलिए आप दूध में मीठे का इस्तेमाल कम करें। मुझसे एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा किया गया वो है आलू कीमा ढाबा स्टाइल जो मैंने बनाया था उसके मुतालिक, कि कीमा कैसे गल जाएगा। तो कीमा बहुत आसानी से गल जाता है। आप कभी भी कीमा को बनाएं तो आप कीमा को पकाते हुए चेक करें कीमा गल चुका होगा। आमतौर पर मैं कीमा बनाते हुए पानी का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। कीमा जब प्याज के साथ फ्राई किया जाता है उसके बाद टमाटर वगैरह डाले जाते हैं तो कीमा बहुत अच्छे तरीके से गल के नरम हो जाता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपको पानी के साथ कीमा को गलाना चाहिए तो आप उसमें एक गिलास पानी डाल के उसको गला सकते हैं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किया गया है वो है पिज़्ज़ा पराठा पर, कि पिज़्ज़ा पराठा बनाते हुए जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, कम से कम मैंने अपने अराउंड में जहाँ भी देखा है, हम लोग तवे के नीचे एक प्लेट रखी जाती है जो कि आसानी से मिल जाती है, और मैं ख़ुद भी डबल प्लेट यूज़ करती हूँ, यानी एक प्लेट होती है और ऊपर तवा भी होता है। तो जब आप उसको लो फ्लेम में बनाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं जलता, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ, बल्कि अक्सर पिज़्ज़ा के बजाय मैं पिज़्ज़ा पराठा ही बनाती हूँ जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। तो आप भी लो फ्लेम पे बना कर देखें, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि अगर जल जाता है तो इसमें हमारी मिस्टेक होती है, ये बताने वाले की मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि हमने जितना फ्लेम रखना होता है हम बताते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ थोड़ा गैस का प्रेशर भी कम आता है, तो हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से लो या मीडियम बताऊँ
और जहाँ गैस का प्रेशर ज़्यादा आता है वहाँ पर वो फ्लेम थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो उसमें जब बता दिया जाता है कि लो फ्लेम ले लें या मीडियम, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स में मैं ये बात देखती हूँ कि ये तो बनाते हुए जल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बनाने वाला ख़ुद भी तो देख रहा होता है कि हमने जब इतना हाई फ्लेम रखा है तो ये चीज़ जल जाएगी, जब लो फ्लेम पे चीज़ बनाई जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं जलेगी। तो आप जिस तरह से बताया जाए फ्लेम, अगर आपको लग रहा है ये जल जाएगी तो आप उस फ्लेम को थोड़ा और लो भी कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो कतर नहीं जलेगी। इसके अलावा मेरे बहुत से बहन भाइयों ने हमेशा मुझे अच्छे कमेंट्स किए, मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, क्योंकि रेसिपीज़ को पसंद करने वालों के सब के नाम मुझे पता हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि अगर फिर किसी का नाम रह जाएगा तो ये बहुत दिल शिकने की बात होगी, और अगर मैं नाम लूँगी तो ये तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। इसलिए मैं सब कमेंट्स को देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और अगर मुझे कोई ये बात बताता है कि हमने ये रेसिपी बनाई थी और उसमें ये मिस्टेक हुई है या ये नुक्स निकला है, तो मैं उसको बनाकर देखती हूँ कि आया वाकई मेरी रेसिपी में ये नुक्स निकला है। जिसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जल गया है तो वो आप फ्लेम को खुद एडजस्ट करें तो इंशाल्लाह नहीं जलेगा। तो मेरे उन सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर मेरी रेसिपी को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और जो मुझे बहुत ही इज्जत के साथ बहन बुलाते हैं। तो मेरे वो सब बहन भाई मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। इसमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया के मेरे बहुत से बहन भाई हैं जिनके कमेंट्स मुझे आते हैं और मैं उन्हें पढ़ती भी हूँ और मैं उन्हें थैंक्स भी बोलती हूँ। बैरून ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में, अरबिक ममालिक में, हर जगह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो हर जगह हर खित्ते के मेरे सब बहन भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहती हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मेरे बेटे के लिए दुआ की। अल्लाह ताला के फजल से अब मेरा बेटा काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट काफ़ी तवील है। और ज़रूर दुआ कीजिएगा कि खुदा मेरे बेटे को दोबारा सेहत कामला अता फरमाए, मुझे आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा क्यू एन ए का सेशन करूँगी जब भी मुझे टाइम मिला। अब भी मेरे पास टाइम की जो कि कमी होती है, तो इसीलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकती, तो इसके लिए भी मेरी माज़रत कबूल करें। तो आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।